हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो दोस्तों, आज बनाएंगे फिश करी, मतलब जैसे घर में बनाते हैं उस स्टाइल में बनाएंगे, घरेलू स्टाइल में फिश। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और फिश बनाने के लिए जो भी है मटेरियल सब रेडी है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और ये जिंजर मतलब गार्लिक है जो हमने गांव से ला रखी, इसका खुशबू अलग ही आता, इसका मज़ा अलग है। और बाकी थोड़ा सा मैंने पेस्ट का एक पैकेट भी ला रखा। और ये है यहाँ पे खड़ा मसाला जो मैं इसमें डालूँगा फिश में। और ये प्याज और ये टमाटर चॉप कर दे, दोनों प्याज और टमाटर यहाँ पे चॉप है, सारा रेडी है। और बाकी मसाले ये हैं जो मसाला डालूँगा मैं। तो यहाँ पे पूरी तैयारी बनाने के लिए, तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें तेल डालते हैं, बाकी फिश यहाँ पे। तो दोस्तों बनाते हैं अब। सबसे पहले कढ़ाई पे डाल देते हैं तेल। कढ़ाई पर तेल डाल दे मैंने और गैस को थोड़ा और तेज कर देते हैं, जल्दी तेल गर्म होगा। दोस्तों, जो घर का है ना, घर का स्वाद थोड़ा अलग ही होता है। होटल में हम रोज ही खाते हैं, पर जो घर में बनाते हैं तो यार मज़ा आ जाता है घर में। तो घर के लिए आज घर पे सभी कह रहे हैं मच्छी खिलाओ, तो मच्छी बना लेते हैं मस्त करके। तेल गरम हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं हम खड़े मसाले। और इसके ऊपर डाल देंगे हम ऑनियन। प्याज ब्राउन हो चुका है मस्त करके एकदम, प्याज का कलर देख लो आप, अच्छे से ब्राउन हो गया। तो प्याज को ब्राउन करना जरूरी है ताकि कच्चे प्याज की ना स्मेल ना आए इसमें। तो आप डाल देंगे हम इसमें सबसे पहले पेस्ट है यहाँ पे। इसमें डाल दें मैंने पेस्ट, इसको ऊपर से डाल दो मैं गार्लिक है सिंपल गार्लिक और हरी मिर्च ये भी डाल देता हूँ। सब डाला मैंने, पेस्ट भी डाल दिया अलग से, लहसुन छिल्ला के थी गाँव वाली वो भी डाल दी। इसमें सबसे पहले डाल दूंगा मैं लाल मिर्च कलर वाली, इसका कलर आना चाहिए। भाई इसका तो इसके बाद डाल देता हूँ मैं इसमें सबसे पहले जो मसाले है, मसाले डाल देता हूँ। नमक, ये बनेगी आज फिश करी एक नंबर वाली। तो दोस्तों अब इसके ऊपर डालेंगे हम टमाटर प्यूरी। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना ग्रेवी कैसी लग रही है, अभी तो बना रहा हूं मैं। दोस्तों यहाँ पे करी एकदम कलरफुल करी बना रखी मैंने एकदम मस्त करके। अभी बहुत काम रहेगा, अभी करी पकेगी उसके बाद इसमें मैं फिश डाल दूंगा ऊपर से, क्योंकि अगर मैं पहले फिश डाल देता हूँ तो सारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, गल जाती जल्दी। पहले इसको पकाता हूँ मैं मस्त करके, करी बनाता हूँ उसके बाद डालूंगा। पाँच या सात मिनट में फिश पक जाती। दोस्तों यहाँ पे
करी बनकर रेडी हो गया। अब इसमें डाल देता हूँ मैं फिश। फिश डाल दी मैंने ग्रेवी में। अब इसके लिए थोड़ा पानी गर्म करता हूँ, इसके लिए ग्रेवी बड़ा होगा इससे।